देश में शिक्षकों के काम के प्रति आभार व्यक्त करने और सम्मान देने के लिए भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। बोरीवली पश्चिम गोखले हॉल में अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष, अथर्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के कार्यकारी अध्यक्ष और बोरीवली के लोकप्रिय विधायक सुनील राणे के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। अथर्व फाउंडेशन द्वारा बोरीवली के 25 उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के लिए आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षकों के सम्मान में एक रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। शिक्षण और सामाजिक कार्यों में मार्गदर्शन विधायक सुनील राणे ने समाज के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। आज तो सबसे पहले हमारे इस शिक्षक दिन के निर्माता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की आज जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी शिक्षकों को, सभी छात्राओं को और देश भर के हमारे युवा नौजवानों को जो स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, उनको सबको शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों के साथ साथ हमारे सभी विद्यार्थियों को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 1962 में तभी के हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसकी शिक्षक दिन की शुरुआत की थी। हम सब जानते हैं कि शिक्षक दिन भर लगातार गाँव में हो, पहाड़ों में हो या मुंबई में हो, हर कहीं अलग अलग जगहों पे स्कूलों में जाके अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। छोटे बच्चे आगे पढ़ के बड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में शिक्षकों के लिए आज के दिन में विशेष पुरस्कार देना, ये अथर्व फाउंडेशन का काम लगातार पिछले कई वर्षों से चलता है। हम जम्मू कश्मीर के वादियों में भी गए, हम बाड़मेर से लेके जैसलमेर के रेगिस्तान में भी गए और अलग अलग जगहों पे जाके शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के जो प्रेरणा स्रोत होते हैं शिक्षक, उनको सराहने के लिए, उनकी ऊर्जा और उनका प्रेरणा बढ़ाने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम करते हैं। और मेरे जीवन में जब मैं स्कूल में था, बोर्डिंग में था, तो हमारे एक वर्तक सर थे जो हमें सुबह 5 बजे उठाते थे और ये समय था 1973-74-75 का, पूना का। तो बोर्डिंग में रहने के बाद सुबह 5 बजे नींद में उठाने वाला शिक्षक, फिर स्पोर्ट्स के लिए तैयार करने वाला वही शिक्षक, कपड़े कैसे धोने के 5:30 बजे उसको भी सिखाने वाला हमारा वो शिक्षक, तभी तो हम बहुत नाराज़ होते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हम बड़े होते गए तो पता लगा कि ये हमारे शिक्षक ने जो हमें सिखाया था और उसकी जो दी हुई हमारी शिक्षा थी उसके ऊपर हमने अमल किया तो क्या परिस्थितियों को हमने बदलने का एक जिम्मा लिया था, प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने की जो एक जिद बनी थी, ऐसी सभी शिक्षा को पाने वाले विद्यार्थी और हमारे शिक्षकों का नाता अटूट। किन-किन क्षेत्रों में शिक्षक को सम्मानित किया गया, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? करीबन आज हमारे पास
करीबन 300 के ऊपर नामांकन आए थे। अथर्व फाउंडेशन लगातार ये करते रहता है और इसके लिए आज जो 30 शिक्षकों को हमने पुरस्कार वितरित किए हैं, जिसमें कोई लेखन में है, कोई साहित्य में है, कोई पढ़ाने में है, कोई तकनीकी में है, नाट्य में है, नृत्य में है, संगीत में है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, अपनी प्रतिभा से आने वाली पीढ़ी को सीख देने वाले, ये हमारे शिक्षकों को आज हमने पुरस्कार दिया। नमस्ते, मैं वर्षा राणे, अथर्व फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन और अथर्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की ट्रस्टी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हम बोरीवली में इस तरह टीचर्स डे मना रहे हैं। टीचर्स का सम्मान करना, उनको एक एक्नॉलेजमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है, मगर क्योंकि ये बहुत ही हमें लगता है ये बहुत सामान्य सा जॉब है, मगर ये सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा जॉब है। क्योंकि हमारे कंट्री में यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, बच्चों का पॉपुलेशन, यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उनको मेंटरिंग करना, उनको एजुकेट करना, डिसिप्लिन लगाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मुझे गर्व है और खुशी भी है आज के दिन कि यहाँ ये शिक्षक दिन हम मना रहे हैं। थैंक यू। मराठी आज शिक्षक दिवस